मैं अबला नदान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं अबला नदान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। स्वागत है आपका इम्पैक्टफुल विद डॉक्टर एस के सिंह, जज्बों के किस्से में। एक ऐसा किस्सा जो आपको डॉक्टर बनने में प्रेरित करेगा और आपको रियल जर्नी और चैलेंजेस के बारे में बताएगा कि एक डॉक्टर को बनने में कितने चैलेंजेस और कितने स्ट्रगल और क्या क्या जर्नी होती है, जो आपको रियल में प्रभावित करेगा, प्रेरित करेगा कि आप डॉक्टर बन सके। तो आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर अश्वती नायर से, जिन्होंने MBBS किया है, MD ऑब्स्ट्रेक्टिव गायनी से किया है, फेलोशिप ऑफ नेशन बोर्ड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से किया है। अभी ये IVF कंसल्टेंट है, नोवा में प्रैक्टिस करते हैं, अपना खुद का क्लिनिक भी है। बहुत ही ग्रेट डॉक्टर हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर अश्वती नायर से। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अश्वती नायर है। मैं दिल्ली में एक प्रैक्टिसिंग फर्टिलिटी और IVF कंसल्टेंट हूँ। मेरा जन्म एक्चुअली बॉम्बे में हुआ है और मैंने मेरी MBBS की जो डिग्री है वो बॉम्बे से करी है, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज। उसके बाद मेरी शुरू से ही दिलचस्पी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में रही है, इसीलिए मैंने ऑल इंडिया के थ्रू MD की डिग्री उठाई थी मध्य प्रदेश में, और 3 साल मैंने मध्य प्रदेश में काम किया और मेरी MD की डिग्री हासिल करी। और ये जो पीरियड था जहाँ पे मैं मध्य प्रदेश में काम करी, मुझे काफ़ी एक लाइफ एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि काफ़ी ग्रास रूट लेवल पर मैं काम कर रही थी वहाँ पर। उसके बाद मैं दिल्ली आई और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रही थी। बट मेरी ना हमेशा से दिलचस्पी थी गायनेकोलॉजिस्ट होने के बावजूद उन लोगों की मदद करूं जिनको बच्चे होने में कठिनाई होगी। और ऐसे इसी क्वेस्ट में मैंने अपनी फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन करी, और इस डिग्री के बाद फिर मैंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो इसे ही चुन लिया, और मैं अभी फुल टाइम एक फर्टिलिटी और IVF कंसल्टेंट हूँ। और पिछले 9 सालों से मैं ये कर रही हूँ, और पिछले 9 सालों में मैंने इंडिया के ही नहीं बल्कि कई बाहर के देशों के कपल्स को भी अपने पेरेंटहुड की जो ड्रीम होती है वो अचीव करने में उनकी हेल्प की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब एक डॉक्टर होने से ज़्यादा इस फील्ड में मेरा एक अच्छा इंसान होना बहुत मैटर करा है मेरे लिए। तो आज मैम से ही जानेंगे कि इन्होंने कैसे पूरी जर्नी को, इतना बड़ा जर्नी होता है, क्योंकि आप सब सोचते हैं कि यार MBBS में 10 से 12 साल लग जाते हैं, मतलब MBBS MD, और इतना बड़ा स्ट्रगल होता है। तो इनकी जर्नी को सीखेंगे और ये कहाँ से, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो मैम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कब, कौन सी क्लास में आई? डॉक्टर एस के सिंह, एक्चुअली मेरा जो जन्म है वो बॉम्बे में एक छोटा सा सबर्बन टाउन है, वहाँ पे हुआ था। तो मेरी एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, और मैं बहुत ही एक साधारण फैमिली को बिलोंग करती हूँ। हम 3 बहनें थे और मैं सबसे बड़ी थी। तो मेरे पापा मम्मी भी या मेरे फैमिली में कोई ऐसे डॉक्टर थे नहीं, लेकिन हमेशा से जो हमारे टाउन में जो उस टाइम पे 1-2 डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर ना हमेशा से जब मैं उनको देखती थी तो हमेशा वो एक लगता था कि नहीं यार, किसी दिन मैं भी उस लेवल पे पहुंचूं और मैं भी वही काम करूं जो वो लोग करते हैं। हालांकि इतने छोटे शहर से और ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था, एंड क्वाइट मीडियोकर फैमिली को हम बिलोंग करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये ड्रीम कभी ड्रीम ही रह जाए। बट मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे एक इतनी अच्छी फैमिली मिली है। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे मामा मामी, मेरे नाना नानी, सब हम साथ रहते थे, और उन लोगों का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो उन लोगों ने मुझे ये प्रेरणा दी कि नहीं, यू कैन थिंक ऑफ इट, और मेरे पेरेंट्स ने जितना हो सके मेरा सपोर्ट किया इसमें। और अगर एक्चुअली आप पूछो कि गायनेकोलॉजिस्ट बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से हुई, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल हुआ करता था जहाँ पे सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ रजिस्टर हुआ करते थे। तो वहाँ पे ना काफ़ी, जिस दिन वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आते थे हमारे टाउन में, तो काफ़ी लंबी लाइन लगती थी। तो जब मेरी मामी जी प्रेग्नेंट थी तो उनके साथ ना वो हमेशा मुझे ले जाती थी, तब मैं आई थिंक क्लास 5 में थी, तो ले जाती थी इसीलिए कि वो लाइन लगाने में, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी ऑफकोर्स, तो लाइन में रुक नहीं सकती थी इतने देर, तो इसलिए वो ले जाती थी। अब वहाँ जाके ना, तो हर उनकी जो
प्रेगनेंसी होती थी तो हर विजिट पे मैं उनके साथ जाती थी। और मुझे एक चीज़ बहुत याद है, वहाँ पे वो जो गायनोकोलॉजिस्ट आते थे वो किसी बाहर जगह से हमारे टाउन में आते थे, तो उनके टेबल पे ना एक शीशियों में जो फीटस है उसका ये रखा हुआ होता था, एंड मेरे लिए वो इतना फैसिनेटिंग होता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे आगे आगे डेवलप हो रहा है। और वहाँ से मेरी ये दिलचस्पी हुई कि नहीं, मुझे आगे जाके ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनोकोलॉजी, तब तो मुझे ये टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता थी, गायनोकोलॉजिस्ट बस समझ आता था, तब से मैंने सोचा कि मुझे गायनोकोलॉजी करना है। तो मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए उन्हें बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत होती है, आपके टाइम में तो ऑब्वियस है कि हर टाइम में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन तो रहता ही रहता है, आसान तो होता नहीं है। इस समय 18 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो ऑब्वियस है थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रेज है, बट बच्चों के माइंडसेट में ये रहता है कि नीट जो वही स्टूडेंट क्रैक करता है जो बहुत इंटेलिजेंट हो, उसकी शुरुआती दौर में पढ़ाई बहुत अच्छी हो, ऐसा आप फील करते हैं या आपका कैसा जर्नी रहा 10th 12th में? एक्चुअली मैं हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, या वन ऑफ द टॉपर्स इन द स्कूल आप ये कह सकते हो, बट मेरे हिसाब से ना इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरी दो क्वालिटीज़ है, एक है हार्डवर्किंग होना ज़रूरी है और दूसरा कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों क्वालिटी आप में है तो कोई भी बच्चा इसको क्रैक कर सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यू नो यू आर बॉर्न विद अ सुपर IQ, ऐसी ज़रूरत नहीं है। इवन एन एवरेज IQ पर्सन, अगर ये दो क्वालिटी उनमें है और अगर आपका जो गोल है या फोकस है वो सही जगह पे है और आप जानते हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप बिल्कुल पहुँचोगे। और कुछ मेरे साथ ऐसा ही था, क्योंकि जब मेरी 10th के मार्क्स आए थे तो थोड़े से कम आए थे, एक्चुअली साइंस की स्ट्रीम तो मिल गई थी मुझे। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर यही चीज़ रिपीट हो गई 12th में तो फिर काफ़ी चोट लग सकती है और मैं नहीं शायद मेरा ड्रीम अचीव कर पाऊँगी, और तब मैं एक्चुअली गियर अप हो गई थी थोड़ा, एंड यस 12th के रिजल्ट्स ने उसको रिफ्लेक्ट किया। तो इससे पता चलता है कि मतलब कि किसी भी एंट्रेंस नॉट फॉर द नीट, चाहे वो IAS जैसे बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ज़रूरत होती है, एक हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। और ये वाकई सही है, जब आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और रोज़ाना मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव हो सकता है और उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में ऐसा लिखा था कि ऐसे कैरेक्टर बताए हुए थे, तो पानी जब पत्थर पे टपक रहा था तो पत्थर बोल रहा था पानी से कि यार तू खामखा अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, क्योंकि तू जितना भी टपक लेगा तू बिखर जाएगा। तो पानी बोलता है कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि जिससे मैं तुम्हें तोड़ सकूँ। तो वो दिन 10 साल 20 साल 30 साल बाद आ ही गया, लगातार वो पानी अगर उस पत्थर पे गिरेगा तो पत्थर टूट सकता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि रसरी आवत जात थे सिल पे परत निशान, मतलब बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ को तो उसमें परफेक्शन ज़रूर हासिल होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब मैम से जानेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की, मतलब आपके माइंड में तो आ गया था जैसे आपने बताया था कि मैं लाइन में लगती थी 7-8 से, बट शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि आपने रियल जो AIPMT या जो भी स्टेट से था, तो आपने पढ़ाई कब से शुरू की? एक्चुअली ये था कि मैंने ना हमेशा दोनों ही ऑप्शंस ओपन रखे थे, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों, क्योंकि कोइंसिडेंटली मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था तो मैं कभी उसे फॉरगो नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैंने शुरू से ही दोनों की पढ़ाई जारी रखी, मैं बायो भी उतना ही दिलचस्पी से पढ़ती थी जितना मैथ्स से। और हाँ ये था कि 9th स्टैंडर्ड से मैं थोड़ा सीरियस हो गई थी इसके लिए, और ये था कि जहाँ से भी मटेरियल मिले या जहाँ पे भी इस चीज़ के रिलेटेड, एंट्रेंस रिलेटेड या मेडिकल प्रोफेशन को लेके कहीं से भी मुझे कुछ इनपुट्स मिलते थे तो मैं उसे ज़रूर गो थ्रू करती थी। और इस तरह से ना मैंने इसे कंटिन्यू रखा। ऑफकोर्स जो मेन पढ़ाई होती है वो तो जब हम 12th स्टैंडर्ड में जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स अपियर करते हैं और उसके बाद हम एंट्रेंस के लिए बिल्कुल फोकस होके पढ़ते हैं, वो तो शायद मैंने 11th 12th में शुरू करी, बट दिमाग में उससे पहले ही आ गया था। तो जैसे कि मैम ने बताया कि इनकी शुरुआत मतलब 11th से ही हो गई थी, तो मैम आपके वक्त में क्या रहता था, AIPMT या कौन सा आपने दिया था? नहीं, ऑल इंडिया PMT भी हुआ करता था उस टाइम पे, मेरी फर्स्ट बैच थी जब MHCET इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले 12th के बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स पर ही मेडिसिन की एडमिशन होती थी और इंजीनियरिंग की एडमिशन होती थी, और इसीलिए हम लोगों को दोनों ही तरफ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था, हमें बोर्ड्स भी उतने ही सीरियसली लेने पड़ते थे।
और एंट्रेंस हो गई तो ये था कि हाँ, जब हमने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए उसके बाद जो 3 मंथ्स हमें मिला तो वो 3 मंथ्स हमने डेडिकेटेडली, और मुझे लगता है प्रिपरेशन दोनों का द वे यू प्रिपेयर इज डिफरेंट, बिकॉज ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होता है और बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं, बट अल्टीमेटली इफ़ यू नो योर सब्जेक्ट वेल तो दोनों ही क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं है. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं ये नहीं समझती कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट हाँ ये ज़रूर है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और बहुत कंसिस्टेंट हूँ और बहुत ही गोल ओरिएंटेड हूँ. तो आपने MHCET यस, मैंने MHCET अपीयर किया था और MHCET में मेरी काफ़ी अच्छी रैंक थी. सॉरी, इतने सालों बाद मुझे अपनी रैंक याद नहीं है, बट वही मैंने बॉम्बे में फिर MBBS के लिए एडमिशन लिया था. और ये मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था. मैम, बच्चों को लगता है ना कि जैसे साइंस स्ट्रीम में मैथ्स भी होता है, बायो भी होता है, तो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम मैथ्स के साथ बायो ले लेंगे तो हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी, बट आपने तो मतलब दोनों ऑप्शन खोल के रखे थे. और मैं आपको बताऊँ डॉक्टर SK सिंह, एक्चुअली जब मैंने मतलब मैथ्स तो मैं बहुत चाव से करती थी क्योंकि इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. और मैं आपको बताऊं, मेरे 12th में नंबर भी ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ आए थे. बॉम्बे का सबसे टॉप मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है VJTI, वीर माता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस का बूम था और मुझे कंप्यूटर साइंस में मेरी एडमिशन हो गई थी, जो मैंने मेरी सीट फॉरगो करी थी क्योंकि मैं मेडिकल एंट्रेंस के MHCET के रिजल्ट का वेट कर रही थी. तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, वो मुझे कहते थे कि हमें दे दो तुम अपने मार्क्स. सो ये वाला तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है. अगर ये सारी बाधाएं अगर हमने अपने दिमाग में खुद ही डाल ली तब मुश्किल है, अदरवाइज ये सब एक फ्लो में चलता है. तो मैम, एक बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन है, मतलब मेरे जहन में ऐसा चलता है कि बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, आपको कभी महसूस हुआ क्या कि आपके फैमिली वाले या आपके रिलेटिव कभी इस प्रकार सोचते होंगे कि यार ये गर्ल है, इसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, इसकी शादी हो जाएगी, चल जाएगी, ये डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करेगी, IAS बन के क्या करेगी? तो क्योंकि अभी भी ऐसे थॉट्स हैं कुछ कुछ पेरेंट्स के. और जिस वक्त हम वीडियो शूट कर रहे हैं, जिस एरा में शूट कर रहे हैं, वहाँ IAS के तीनों टॉपर गर्ल्स होती हैं. तो एक कोटेशन भी आया था कि उनको ये देखना चाहिए, है ना, जो लोग सोचते हैं कि गर्ल चाइल्ड कुछ ऐसा है तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि IAS जो इंडिया का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है उसमें top 3 गर्ल्स ही हैं. तो आपको कभी ऐसा लगा है या फैमिली को कभी ऐसा लगा क्या? हाँ डॉक्टर SK सिंह, एक्चुअली एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है. मैंने जैसे बताया ना, मैं बहुत ब्लेस थी कि मैं एक ऐसी फैमिली में थी, मेरे फादर, मेरे मदर और मेरी जो भी रिलेटिव, जो मेरी इमीडिएट फैमिली थी, वो हमेशा से काफ़ी एनकरेजिंग थी. तो इसीलिए मुझे घर के लेवल पे तो ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं. इनफैक्ट ये था कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे थे, जैसे कि मुझे कोचिंग लेने के लिए, जब मैं 12th की कोचिंग ले रही थी तो मुझे 2 घंटे ट्रेन से जर्नी करनी पड़ती थी और कोचिंग स्टार्ट होती थी सुबह 7 o'clock, तो मुझे 5 o'clock की ट्रेन लेनी पड़ती थी कि मैं 7 o'clock क्लास पहुंच पाऊं. तो उस टाइम पे अब 5 o'clock, जाहिर सी बात है, आप 12th में हो, आप इतने बड़े भी नहीं हो, अंधेरा होता है, उस टाइम पे ट्रेन लेना इतना सेफ नहीं होता, और ये डेली बेसिस पे होता था. तो मेरे नेबर्स वगैरह मेरी मदर को कहती थी कि तुम उसको अकेले भेज रहे हो, यू नो शी इज़ अ गर्ल, आप यहीं पे कहीं कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन करवा देते उसको. तो वो था कि मेरा शुरू से था कि वो एक इंस्टीट्यूट ऐसा था कि जहाँ की जो सक्सेस रेट थी काफ़ी अच्छी थी. तो मैंने कभी भी इस चीज़ को ये नहीं सोचा, ना मेरे पेरेंट्स, अंदर से तो उनको भी डर लग रहा होगा, बट कहीं ना कहीं मेरी डिटर्मिनेशन देखे उन्होंने कभी कुछ नहीं कही. हाँ, ये चीज़ है कि आज भी पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि यू नो लड़की है तो टाइमली उसकी मैरिज हो जाए, सेटल हो जाए. हाँ, कुछ इस तरह का ज़रूर मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरी मैरिज हो गई एक जस्ट इमीडिएटली आफ्टर माय MBBS, मेरी शादी हो गई. हालांकि मैं उस टाइम पे उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी, मैं PG करना चाहती थी, उसके बाद सेटल होना चाहती थी, बट हाँ वो कही ये था कि आई वॉज़ द एल्डेस्ट ऑफ 3 daughters, तो वो था कि अगर मैं लेट हो गई तो सबका ही लेट हो जाएगा, तो ये वाला सिस्टम था. लेकिन लकीली उस हिसाब से भी मैं लकी रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे और मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन और इवन सुपर स्पेशलिटी जो मैंने करी उसके बाद ही करी, और वो उनके सपोर्ट से ही हुआ. जैसे कि मैम आपने बताया था कि MBBS के बाद तुरंत ही शादी हो गई, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शादी के बाद पढ़ाई स्टॉप हो जाती है, पढ़ाई हम पढ़ नहीं सकते इतने बेहतर तरीके से,
तो आपने पूरा मतलब MBBS के बाद MD किया, फिर फेलोशिप किया, तो ये सब चीज़ों को कैसे आपने मैनेज किया? एक्चुअली डॉक्टर एस के सिंह, ये था कि शुरू से दिमाग में था ही क्या करना है, तो ये चीज़ों को बहुत आसान करती है, क्योंकि जब मेरी शादी भी हो रही थी तो शायद मैंने फर्स्ट चीज़ जो अपने हस्बैंड को कही थी वो यही थी कि मुझे आगे पढ़ना है और मैं उसी से शादी करूँगी जो मुझे आगे पढ़ने देंगे, एंड लकीली ही उनकी भी माइंड सेट ऐसी ही थी तो इसलिए मुझे कभी दिक्कत आई नहीं। हाँ, MBBS के बाद फिर MD का जो 3 साल था ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ये फील्ड ही काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला फील्ड है, काफ़ी हेक्टिक ब्रांच है, तो हाँ ये जो 3 साल थे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट निकले मैं कह सकती हूँ। मैंने बताया ना शुरुआत में भी कि ये मेरे लाइफ की सबसे एनरिचिंग पीरियड थी, क्योंकि मैं बहुत एक ककून में पली हुई बच्ची हूँ, क्योंकि पूरी फैमिली थी हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब व्हेन आई वाज आउट देयर इन मध्य प्रदेश तो इट वाज ऑल अलोन, आई वाज ऑल अलोन, कोई फैमिली नहीं आपके साथ, कोई भी नहीं, एंड उस टाइम पे जो आप चैलेंजेस फेस करते हो वो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग बनाती है। नो डाउट ऐसे कई बार ख्याल आया कि नहीं शायद मैं अपनी MD ख़त्म कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि बीच में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था वहाँ पर भी, तो वो सारे चैलेंजेस थे, बट वही चैलेंजेस, मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस तो देखो आएंगे ही, किसी की भी जर्नी ऐसे स्मूथ नहीं रहेगी, बट इन चैलेंजेस को फेस करना ही लाइफ है, और इन हर चैलेंज जो आपके लाइफ में आती है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा के जाती है या आप में कुछ ऐसा परिवर्तन लाती है कि जो आगे के लाइफ में आपको बहुत काम आए। तो वो जो फेस था वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ एनरिचिंग था या लाइफ चेंजिंग था मैं कह सकती हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली आई तो मुझे UPSC के थ्रू मेडिकल ऑफिसर की जॉब थी, तो यहाँ पे मैटरनिटी एंड गायनी हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी और करीब 7-8 ईयर्स मैं वहाँ पे जॉब में रही, और इस दौरान ही मतलब फिर भी वो पढ़ाई का कीड़ा तो हमेशा ही रहा, मुझे कहीं ना कहीं गायनोकोलॉजी पहुँच के मुझे ये लगने लगा कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी में मुझे और फोकस करना है और करना है। मुझे ये पता था कि अगर किसी दिन मैं अपने उस ड्रीम को अचीव कर पाई तो मैं कई लोगों का भला कर पाऊंगी, और वही एक मोटिवेशन था। तो गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते ही मैंने पढ़ाई करी, एंट्रेंस दी, एंड दैट एंट्रेंस इज एक्चुअली वेरी टफ बिकॉज देयर वर ओनली 11 सीट्स इन अ ईयर एंड ऑलमोस्ट 30,000 प्लस गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अपीयर फॉर दैट, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था। और दूसरी चीज़ ये होती है ना कि जब मैंने पहले एंट्रेंसेस दिए थे तो ऐसा था कि मैं बस पढ़ रही थी, मुझे घर देखने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे घर का काम संभालने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ करने वाले लोग थे, बट वो टाइम ऐसा था मेरे 2 छोटे बच्चे थे, आई वॉज स्टडिंग फॉर एन एंट्रेंस एट अ नेशनल लेवल, तो वो टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम था मैं बताऊँ तो। बट वही है कि अगर आपका डिटर्मिनेशन है, आप फोकस्ड हो, और बच्चों के साथ तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे दोनों ही बच्चे दे वेयर लाइक टॉडलर्स एट दैट टाइम, तो आप कितना ही टाइम निकाल पाओगे, तो मैं डेली बेसिस पे मैं भी 2 या 3 घंटे निकाल पाती थी, वो भी बड़े मुश्किल से जब वो सोते थे, बट वो 2-3 घंटे जो है उसमें आप अगर डेडिकेटेडली करो तो वो भी काफ़ी, और कंसिस्टेंटली करो तो वो भी काफ़ी। तो मैम ऐसा कोई जर्नी है, क्योंकि आपकी जर्नी तो बड़ी कमाल की है, मतलब मैं भी आपसे प्रभावित हो रहा हूँ, तो कोई ऐसा किस्सा है या कोई ऐसा इंसिडेंस है जो आप कभी भूल नहीं पाओगे अपनी जर्नी में, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है? हाँ, एक्चुअली जब मैंने मेरी सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई शुरू करी थी तो एक तरफ तो ये था कि आई हैड अ सेटल गवर्नमेंट जॉब, 2 बच्चे भी हो चुके थे, फैमिली थी देखने के लिए, एंड दूसरी तरफ एक चाह थी कि नहीं मुझे ये करना है ना, और रास्ता भी बहुत डिफ़िकल्ट था कि ऐसा मैं हर लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज से पास डाउन हूँ, तो ये था कि अगर मैं फेलोशिप करूँ भी, काफ़ी पेड फेलोशिप्स होते हैं इस फील्ड में, बट मेरी कभी भी उसमें दिलचस्पी नहीं रही, मुझे था कि नहीं मैं अपने बलबूते पे इसे हासिल करूँ और करूँ। तो जब मैं ये चीज़ सोच रही थी, तो जब मैं इसकी पढ़ाई भी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को फेस करनी पड़ी। एक तो ये था क्योंकि सिर्फ 11 सीट्स थी, तो ये नहीं पता था कि दिल्ली में उस वक्त सिर्फ 2 सीट्स हुआ करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि आप रैंक 1 या रैंक 2 आओगे,
यू नो आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ सकता है, और एक्चुअली मुझे जाना पड़ा भी, तो इन दो छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊंगी, हाउ विल आई मैनेज, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और दूसरी चीज़ थी कि उस टाइम पे मैं काफ़ी बीमार पड़ी, मुझे ट्यूबरक्लोसिस का रिलैप्स हुआ था, इनफैक्ट आई हैड अ राइट सर्वाइकल लिम्फैडिनोपैथी जिसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ATT को रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी नॉर्मल ATT को, तो शायद ये था कि क्वेरी MDR क्वेरी लिम्फोमा की तरफ जा रहा था, डायग्नोसिस मेरा एम्स में ही ट्रीटमेंट हो रहा था, तो वो एक अलग चैलेंज लाइफ में चल रही थी। तो मेरे घर के लोग सब यही कह रहे थे कि यू नो क्यों तुम इतना कर रही हो, छोड़ो, यू नो यू हैव अ सिक्योर जॉब, फैमिली है, क्यों तुम्हें ये सब करना है। कहीं ना कहीं मेरा मन रोकने के लिए माना नहीं डॉक्टर एस के सिंह, और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती थी। तो शुरुआत में मतलब ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हुई मेरी, उसके बाद मैंने फिर अटेम्प्ट दिए एंड मैंने ये कंटिन्यू रखा एंड फाइनली यू नो आई कुड गेट दिस थिंग। और मज़े की बात तो वो थी कि मैंने वहाँ ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद फिर से वो लिम्फैडिनोपैथी वापस आई, फिर अगेन दो राय में कि कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड क्योंकि उस टाइम पे भी एम्स में डॉक्टर एस के शर्मा हुआ करते थे सर, वॉज हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एट एम्स इन मेडिसिन। तो मुझे याद है कि मैं सर के पास गई थी और मैंने कहा था सर सब घर में कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो ये सब, यू नो छोड़ दो। तो सर ने मुझे बस एक ही चीज़ कही थी कि इतनी आसानी से मिला था क्या तुम्हें, मैंने कहा नहीं सर बहुत मेहनत करी थी, दो छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करी है और ये रैंक आई थी मेरी। तो सर ने कहा कि नहीं, फिर जब इतनी मेहनत से मिली तो क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और यू नो उस टाइम पे ना आई रियली ओव इट टू हिम, बिकॉज उस टाइम पे जो आपकी मदद करता है या जो आपको यू नो पर्सन लाइक हिम जो आपके साथ ये रुक के आपको मेडिकली अश्योर करे नहीं एवरीथिंग विल बी फाइन यू गो अहेड, एंड वो ऐसे लोगों को फिर आप भूल नहीं पाते। सो डॉक्टर एस के शर्मा है, डॉक्टर राजेंद्र पार्षद है, ही इज़ द हेड ऑफ द यूनिट ऑफ सर्जरी नेम्स, इन दोनों ने मेरी ट्रीटमेंट करी थी उस टाइम पे। तो अगर मैं देखूं तो इंसिडेंट नहीं बट एज पर्सन्स मैं उनको कभी नहीं भूल सकती अपने लाइफ में। तो मतलब बच्चों को लगता है कि हम अगर बीमार पड़ जाएं या हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस या ऐसा कुछ हो जाए तो जल्दी ही गिव अप कर देते हैं। आजकल के बच्चों में वो सहनशीलता वाली चीज़ नहीं है। बट आपकी कहानी वाकई एक जैसे हमारा टाइटल है जज्बों के किस्से, वो आप पे बड़ा सूट करता है कि आप में वो जज्बा था कुछ करने का, कि चाहे वो बचपन से देखें या बीच में देखें वो मल्टीपल टाइम वो दोहराया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। मैम अगर इस वक्त बच्चों को कुछ बताना चाहें, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो क्लास 11th 12th और नीट जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंपटीशन और मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है, कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस में बदलाव आता है बट एटीट्यूड में बदलाव नहीं आता है, मेहनत करने में बदलाव नहीं आता है, कंसिस्टेंसी में बदलाव नहीं आता है। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे इस कॉम्पिटिटिव माहौल में आपको अपना नाम आगे रखना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को ना सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करना चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी इंटरेस्ट मेडिसिन या इंजीनियरिंग या ऐसे क्षेत्र में ही हो, जहाँ पर भी उनका इंटरेस्ट है उस एरिया को फोकस करके उन्हें अपना एक गोल डिटरमाइन करना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपकी माइंड में वो क्लैरिटी रहती है ना, फिर आप अपने आप रास्ता बनाते हो या अपने आप रास्ते आपको मिल जाते हैं, बिकॉज आप ढूंढते हो उन रास्तों को। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा हर बच्चे को कि यू नो सबसे पहले तो अपना गोल ढूंढिए कि आपको क्या करना है। आई नो छोटे बचपन में थोड़ा मुश्किल होता है बट कहीं ना कहीं आपको रास्ते में ये ज़रूर पता होता है कि आपको क्या करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप अपना गोल बनाते हो उसकी तरफ आप वर्क करिए, और बहुत सिंसियरिटी और डेडिकेशन से वर्क करिए। ये नहीं कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, आपके टीचर्स कह रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप इसीलिए करिए क्योंकि आप वो करना चाहते हो, और कंसिस्टेंटली करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपको बैठ के पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अगर आप डेडिकेटेडली कुछ टाइम भी निकालोगे बट बहुत प्लानिंग के साथ पढ़ना। और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो मुझे अपने पूरे जर्नी में स्पेशली मेरे सुपर स्पेशलिटी के टाइम जो मुझे हेल्प करी वो थी नोट्स मेकिंग, क्योंकि इतना सारा वास्ट सब्जेक्ट होता था, टाइम मेरे पास था नहीं क्योंकि घर के प्रेशर्स थे। तब मैं एक्चुअली सीखी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजिक स्टडींग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजिक स्टडींग मतलब आप वो पढ़ो जहाँ से क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है,
वो पढ़ो जो काफ़ी रेलेवेंट है और इसके आप अपने नोट्स बनाओ। तो मैं यूजुअली क्या करती थी कि ये जो नोट्स मैं बनाती थी, जैसे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, जैसे बस में ट्रैवल कर रही हूँ, या हॉस्पिटल में भी मैं बैठी हूँ ओपीडी में दो पेशेंट्स के बीच में, मैं वो फरे घुमाती रहती थी। तो इससे क्या है कि आपकी माइंड में वो रिकलेक्शन होती रहती है। तो मेरे हिसाब से आप अगर ये कंसिस्टेंटली करोगे ना, तो टाइम कितना आप दे पा रहे हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप अपने गोल की तरफ ज़रूर पहुँचोगे। और कभी भी अपने, एक चीज़ मैं और बताऊंगी, शायद ये सब करके आप लोग भी अपना ड्रीम अचीव करो और आप जो करना चाहते हो वो करो, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ऑलवेज गिव इट बैक टू द सोसाइटी। मतलब आप जहाँ पे भी पहुँचो ना, अपनी इंसानियत नहीं खोना। चाहे आप एक अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा इंजीनियर बनो, चाहे आप जो भी आप करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए बहुत ट्राई करना चाहिए। और वो जो आपके वैल्यूज़ है इन पूरी जर्नी में, चाहे वो जर्नी आपके लिए डिफ़िकल्ट रहे, इजी रहे, इस जर्नी में अपनी जो वैल्यू सिस्टम है उसे नहीं खोना, उसे हमेशा इंटैक्ट रखना। मैम, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको वाकई मज़ा आ रहा है काम करने में कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है? मैं अभी नोवा साउथ एंड फर्टिलिटी क्लिनिक के रजौरी गार्डन सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट के पोस्ट पे वर्किंग हूँ, और द्वारका में भी क्लिनिक है, और मैं अभी डेडिकेटेडली इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी के फील्ड में ही प्रैक्टिस करती हूँ। और ये करते करते मुझे अभी 9 ईयर्स हो गए। और एक्चुअली डॉक्टर एस के सिंह, मैं आपको बताऊँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये चीज़ करने में। मतलब इट इज़ अ पैशन, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन फॉर मी एनी मोर, इट इज़ मच मोर देन दैट। एंड ये मेरे पेशेंट्स भी आपको बताएंगे, उनके इतने सारे अच्छे रिव्यूज़, और ये मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये काम में। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप दिल से चाहो ना उस चीज़ को, तो आप लाइफ लॉन्ग उसे एंजॉय करोगे, और यही मैं अब कर रही हूँ। And thanks to God, thanks to a good family, and thanks to all those who supported me, my teachers who taught me that I am here today. So I hope कि आपने enjoy किया होगा और real journey के बारे में आपने सीखा होगा, इतने सारे challenges and all. तो आपको कैसा ये episode लग रहा है, please comment करिएगा। और मैम का ऐसा कौन सा journey है या challenge है जो आपको वाकई fascinate कर रहा है कि आप भी कुछ अपने life में करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं पढ़ सकूं और मैं भी आपसे, आपके कमेंट से प्रभावित हो सकूं। तो मिलते हैं किसी अनदर एपिसोड में, जज्बों के किस्से में, ताकि आप इंस्पायर हो सकें रियल लाइफ से और आप डॉक्टर बन सकें। थैंक यू सो मच।